अपनी अपनी ढालें नीचे झुका लो और मेरे आदेश पर उन्हें फिर से उठा लेना। उठाओ अपनी अपनी ढालें, उठा लो। ये तुमने क्या किया दुर्योधन? देखिए पितामह, देखिए हमने क्या किया। कितना सुंदर दृश्य है ये। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. He's here, Your Highness. Send him in. शल्य, जब मुझे पता लगा कि तुम उस अग्नि में बचकर अपने शिविर में लौट आए हो तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। परंतु इस बात का दुख भी है कि तुम मेरे लिए भीम और अभिमन्यु का शीश नहीं ला पाए। महाराज, मैंने मुझे अपने बहाने मत सुनाओ। मैं तो तुम्हारी असफलता के बाद तुम्हें मृत्यु दंड देना चाहता था, परंतु मित्र कर्ण ने एक बड़ी अच्छी सलाह दी। तुम शल्य कौरव सेना के एक महान योद्धा, मैं तुम्हारा महाराज आज और अभी से तुम्हारी ये उपाधि छीन रहा हूँ, और आज से तुम कौरव सेना में कर्ण के सारथी का कार्य करोगे। अद्भुत, बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। महान योद्धा भीष्म दूसरे योद्धाओं को अपनी नियति का फल भुगतते देख रहे हैं। लोग क्या कहेंगे? अगर आपने भी मेरी तरह प्रतिज्ञा ली होती गुरु द्रोण, तो आपकी समझ में आता कि दूसरों को ऐसे हाल में देखने पर क्या अनुभूति होती है। परंतु हमने तो इन्हें ऐसी शिक्षा नहीं दी थी, हमने तो अच्छी बातें सिखाई थी इन्हें। ये विश्व बड़े लंबे समय से ऐसा ही है जैसा हम देख रहे हैं गुरु द्रोण। शायद ये नया युग है। कर्ण, अगर तुम्हें लगता है कि मैं ये सब करने वाला हूँ तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तो क्या तुम अपने महाराज के आदेश का पालन नहीं करोगे सारथी? कदाचित तुमने अपनी मूर्खतावश उनका साथ देने का वचन दिया था और अब खुद को ठगासा महसूस कर रहे हो। परंतु तुमने उन्हें वचन दिया है और एक सच्चा योद्धा अपने वचन का हमेशा पालन करता है। तुमने मेरे साथ ऐसे बात करने का दुस्साहस कैसे किया? ये मत भूलो कि तुम एक सारथी हो और मैं महाराज का दाहिना हाथ हूं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. देखो ना, मैं एक सारथी पुत्र हूँ, परंतु युद्ध भूमि में बड़े बड़े योद्धाओं से युद्ध करता हूँ। मैं महाराज का दाहिना हाथ बन चुका हूँ और मैं विश्व का सबसे महान योद्धा हूँ। मेरा नाम कर्ण है और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो मेरे सामने कुछ कहने या करने से पहले 10 बार सोचना। बड़ी बड़ी बातें मत करो। मैं जानता हूँ जब तक ताद भीष्म जीवित है तुम रणभूमि में नहीं जा सकते। ये कौन जानता है कि कल युद्ध भूमि में क्या होने वाला है या फिर परसों? तुम अपनी किसी बात का पालन भी करते हो? हाँ करता हूँ, और मैं हमेशा अपने वचन का पालन करता हूँ। अब जाओ और कल के लिए मेरा रथ तैयार करो।
हो सकता है कि आवश्यकता पड़ जाए। हाँ, एक नया विश्व। बड़े बड़े दार्शनिक और कवि युगों से एक ही प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं, एक राजा के मन में क्या चलता है। परंतु आपके मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए उन दोनों में से कुछ भी बनने की आवश्यकता नहीं है। अब आप स्वयं ही बता दीजिए भैया युधिष्ठिर कि एक राजा क्यों नहीं सोता है और अपने अंतर मन से क्यों लड़ता रहता है।